नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड क्लच। तो आइए शुरू करते हैं। ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड क्लच की डायग्राम है। इसमें क्या है, रिलीज बेयरिंग को मैकेनिकल ढंग से अर्थात रोड और लीवर के लगाकर पैडल द्वारा प्रेस किया जाता है। इस डायग्राम पे समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप इस पैडल को प्रेस करोगे, ठीक है, पैडल को प्रेस करने से क्या होगा, ये जो ब्रेक ब्रेक फ्लूइड है इसके अंदर, ठीक है, ब्रेक फ्लूइड क्या करेगा, मास्टर क्लच मास्टर सिलेंडर से यहाँ से फ्लूइड सीधा इस हाइड्रोलिक पाइपलाइन से होता हुआ स्लेव सिलेंडर तक आएगा। ठीक है, स्लेव सिलेंडर से आगे क्या होगा, ये फ्लूइड सीधा क्लच फोर्क में क्लच फोर्क को घुमाएगा। स्लेव सिलेंडर के अंदर पिस्टन होगा। अब जैसे ही आपने क्लच को प्रेस किया, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड आया मास्टर सिलेंडर से, क्लच मास्टर सिलेंडर से यहाँ से होता हुआ ये आया स्लेव सिलेंडर में। स्लेव सिलेंडर के अंदर क्या लग रहा है, पिस्टन, ठीक है, ऐसे करके पिस्टन है। पिस्टन को आगे धकेला, उसने क्या किया, घूमते हुए इसको क्लच फोर्क को घुमाया। क्लच फोर्क घूमा, जैसे ही उससे क्या हुआ, उसने क्लच फोर्क ने घूमकर रिलीज बैरिंग को घुमाया। उसके बाद क्या होगा, जैसे रिलीज बैरिंग घुमा तो क्लच की पोजीशन क्या हो जाएगी, डिसंगेज मतलब अलग हो जाएगा। दोबारा समझिए, यहाँ से पैडल प्रेस हुआ, फ्लूड आया यहाँ से होता हुआ स्लेव सिलेंडर में, स्लेव सिलेंडर के पिस्टन को आगे धकेला, यहाँ से आया क्लच फोर्क में, क्लच फोर्क ने रिलीज बैरिंग को घुमाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्लच क्या हुआ, इससे डिसंगेज हो गया। जैसे ही ड्राइवर ने पैडल को छोड़ा तो स्प्रिंग लोडेड है ये, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड होने की, एक तो वैसे ही जितना ब्रेक ऑयल था उसमें ऑलरेडी वो ब्रेक ऑयल वहीं पर रुक गया, ठीक है, वहीं पर रुक गया, स्टॉप हो गया। और इस स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से ऑयल तो पीछे आई, बट ये क्या हो गया, अगेन डिसंगेज हो गया, अपनी उसी होम पोजीशन पे चला गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नॉर्मली इससे इसके लिए अलग से ये लिंकेज वगैरह ये सब रॉड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाइड्रोलिक ऑपरेटेड क्लच अब हमें ये समझना कि कहाँ यूज होता है। ये ज़्यादातर छोटी गाड़ियों में यूज होता है बेसिकली, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। पिकअप होती है ना, पिकअप, महिंद्रा पिकअप वगैरह, उसमें ये ज्यादा यूज होता है फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। इसमें रोड लीवर लिंक्स कुछ नहीं लगेंगे, सिर्फ ब्रेक फ्लूइड पाइप ही कनेक्ट करनी पड़ती है। सिंपल सा फंडा है, एक पाइप का ही गेम है सारी। प्रेशर से ब्रेक फ्लूइड उसको क्या कर रहा है, फोर्क से रिलीज बैरिंग घूम रहा है, और उससे क्या हो रहा है, डिसंगेज हो रहा है। अल्टीमेटली क्या करना है, अंगेज और डिसंगेज। तो ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड क्लच का वर्किंग है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। कुछ भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।